सेम चीज़ फैराडे ने ये समझाई। अब वो फिर से क्या करना चाहता है, एक कंडक्टर लेना चाहता है, फिर से एक बार कंडक्टर को मूव करवाएगा, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाएगा और वैल्यू बताएगा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ सिर्फ दो लाइन में। तो उसने ये समझाया, पहले एक ना वो कहता है कि एक चीज़ याद कर लो, ये भूलना नहीं है। वो क्या, ये क्रॉस 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 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर है। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। इमेजिन करो एक लाइन, देखो कैसे आ रही है, इस बोर्ड पे सब देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बोर्ड के अंदर ऐसे आ रही हैं, कमरे से आती होती यहाँ जा रही हैं, दूसरी लाइन यहाँ जा रही है, तीसरी यहाँ जा रही है, चौथी यहाँ जा रही है, पाँचवीं, छःवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दस, ग्यारह, बारह, ऐसी लाइन्स ही लाइन्स हैं। मतलब इमेजिन कर लो जैसे इस रूम में ना धागे लटक रहे हैं बहुत टाइट और बोर्ड के अंदर घुसे जा रहे हैं, समझो वो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। इमेजिन हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड यानी कहाँ पर है, बोर्ड के अंदर लाइन्स ही लाइन्स जा रही हैं। तो फैराडे ने कहा देखो जब एक रॉड को जब मैं मूव करवाऊंगा और उन धागों को, उन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स को परपेंडिकुलरली कट कर दें, कट करना समझते हो, इस तरीके से मूव करवाऊंगा, अगर धागे होते ना टूट जाते सारे, देखो ना धागे ऐसे, मींस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस तरीके से आ रही हैं और आप एक उस रॉड को इसके परपेंडिकुलर मूव करवा रहे हो तो सारी लाइंस को कट करती हुई ये आएगी रॉड। तो वो ये कहता है, फैराडे कहता है कि अगर आप इन लाइंस को कट करते हुए इधर आओगे तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी, किसी भी रॉड में ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगी। अगर उसने लाइंस को कैसे काटा, 90 डिग्री पे काट दिया तो ईएमएफ जनरेट हो जाएगी और मुझे लग रहा है इसमें कट रही हैं, कि अगर लाइंस ही लाइंस बोर्ड के अंदर जा रही हैं और आप रॉड को ऐसे मूव करवाएंगे परपेंडिकुलर लाइंस के अंदर तो वो काटती हुई चली जाएगी। तो उसने कहा कि इसमें ईएमएफ जनरेट होगी, याद रखना आने वाले टाइम में भी यही शॉर्टकट लगाऊंगा। तो उसने कहा कि मान लो आपने रॉड की लेंथ एल है और आपने डीटी टाइम में इसको यहां ले आए तो डिस्टेंस कितना कवर करवाया, वीडीटी डिस्टेंस है, तो ये एरिया कितना कवर हुआ, दिस डिस्टेंस इनटू लेंथ, तो एल लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि एरिया कितना कवर हुआ, डीएस का मतलब एल इनटू वीडीटी, तो फ्लक्स कितना कवर हुआ, फ्लक्स क्या होता है, बीडीएस कॉस थीटा, बी वेक्टर कहाँ है, बोर्ड के अंदर, डीएस वेक्टर इस पूरा जो एरिया कवर हुआ इसका एरिया वेक्टर भी कहाँ है, परपेंडिकुलर यानी कि बोर्ड के अंदर, तो बी इंटू डीएस इंटू कॉस जीरो फ्लक्स हो गया, डीएस आपने पुट कर दिया लेंथ इंटू ब्रेथ करके, डी फाई आ गया। उसने कहा कुछ ना करो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो, डी फाई बाई डी टी क्या होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इस डी फाई को न्यूमिनेटर में पुट कर दो या फाई की वैल्यू को यहां पुट कर दो और डिफ्रेंशिएट करो डी टी बाई डी टी वन, तो एक सेकेंड में सेम आंसर आएगा बीएल में। मतलब कुछ किया ही नहीं उसने, बस एरिया निकाल दिया, कितना एरिया कट किया वो निकाल दिया, उस एरिया को यहां पे पुट करके फ्लक्स आ गया, डी फाइव बाई डी टी किया, डी टी बाई डी टी वन करके आंसर क्या आ गया, बीएलपी आ गया। तो उसने, फैराडे ने पहला जो टॉपिक हमने किया था बहुत लंबा तरीका था उसको एलिमिनेट कर दिया, कहता प्लस टू में कोई यूज नहीं करेगा, उसे छोड़ दो, आज के बाद ये यूज कर लेना आंसर आ जाएगा। लेकिन एक स्टूडेंट ने ये पूछ लिया, चलो मान लिया कि वो पहला एक्सप्रेशन बहुत बड़ा था और आंसर बी एल वी है, तो ठीक है बी इंटू एल इंटू वी मोशनल, इस ई एम एफ जनरेटेड को मोशनल ई एम एफ बोलते हैं क्योंकि रॉड जब मोशन में होती है ये ई एम एफ जनरेट होती है, इसका नाम मोशनल ई एम एफ है। तो एक स्टूडेंट ने पूछ लिया सर ठीक है फैराडे की ये बात तो मेरे को समझ में आती है कि वो लंबा एक्सप्रेशन छोड़ दो, मैं भी छोड़ दूंगा और आप भी छोड़ देना, आप भी मत करना, ठीक मैं ये कर लेता हूं, लेकिन मुझे फैराडे का रिजल्ट इसलिए वहां बेटर लगता था क्योंकि फैराडे मुझे ना करंट की डायरेक्शन बता रहा था साथ साथ कि करंट ऊपर की तरफ होगा, ये जो मेथड सेकंड मेथड है इसमें मुझे करंट दिखाई नहीं कहा है, मैं इसमें ई तो निकाल पाया उसके फॉर्मूले से पर मुझे ये नहीं पता लग रहा कि जब रॉड इधर मूव करेगी तो करंट ऊपर होगा या करंट नीचे होगा। ठीक है, इसके लिए फैराडे ने कहा मेरा काम नहीं है तो मेरे दोस्त को बुलाओ, दोस्त का नाम क्या था, फ्लेमिंग फिर से आ गया, ये चीज़ फ्लेमिंग बताएगा। फ्लेमिंग आया, फ्लेमिंग कहता ठीक है बताओ क्या क्या बताना है, मैंने कहा जी इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन बतानी है। फ्लेमिंग कहता देखो लेफ्ट हैंड तो मेरा पूरा यूज हो चुका पिछले महीने, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, अब मैं अपना राइट हैंड से काम करूंगा, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आ रहा है,
फ्लेमिंग राइट हैंड रूल तब यूज करते हैं जब इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालनी हो, बस जब फोर्स की डायरेक्शन निकालनी हो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, जब इंड्यूस करंट पैदा हुआ हुआ करंट की डायरेक्शन निकालनी हो तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। रूल सीख लो, फर्स्ट फिंगर बी, फिर से बी, राइट हैंड बी लगाओ यहां पे, राइट हैंड बी। थंब रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ कंडक्टर, मोशन ऑफ अ कंडक्टर, रॉड की मोशन कहां है, जैसे बी बोर्ड के अंदर है, मोशन कहां पर है, राइट है। तो सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस करंट कहां है, ऊपर है, बी मोशन ऑफ कंडक्टर ऊपर की तरफ, तो ये लो इंड्यूस करंट कहां पर आ गया, ऊपर की तरफ। अब लो कहते हैं ठीक है, अब मैं पुराना एक्सप्रेशन यूज नहीं करूंगा, आधा काम फैराडे से करवा लूंगा, ईएमएफ की मैग्नीट्यूड में फैराडे से ले लूंगा और डायरेक्शन में फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल से ले लूंगा। तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें क्या बता रहा है, इंड्यूस करंट बता रहा है। और फिर मैंने कहा यार वो फिर माइनस प्लस का चक्कर, वो कहता हो गया सॉल्व, वो कैसे, क्योंकि अगर मुझे इंड्यूस करंट पता लग गया ऊपर है तो यानी कि इंड्यूस करंट हमेशा ट्रेवल करता है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये तो मुझे याद है, तो मैं ये बना सकता हूं कि माइनस नीचे होगा प्लस ऊपर होगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये कैसे सॉल्व हुआ, कोई डाउट इसमें? तो मेथड वन नहीं करेंगे, मेथड टू भी नहीं करेंगे, सिखा दिया, अब मेथड थ्री करेंगे जो आपके बोर्ड में आने वाला है, अब वो करेंगे। आपने पेपर में ये लिखना है जो मैं सिखाने जा रहा हूं आपको।